हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग जो है ऑड टू ऑटम, ठीक है, ऑड टू ऑटम। ऑड मतलब होता है गीत, ऑटम मतलब होता है आपको पतझड़ या यूँ कहिए शरद ऋतु, ठीक है, जिसको लिखा है जॉन किट्स ने। आपका जो 12th एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश से, उसका जो है रेनबो, उसका जो है यह कैमा चैप्टर है, 4th चैप्टर है, ओके। इसको लिखा है जॉन किट्स, यही आप देखिए, यही है ना प्यारा सा अपना जॉन किट्स, देखने में खूब रोमांटिक लग रहे होंगे, ठीक है, बहुत स्मार्ट हैंडसम लग रहे होंगे, ठीक है। और यह कवि क्या है तो रोमांटिक कवि है, ठीक है। कहा जाता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी रोमांटिक कवि हुए हैं उनमें महान जो है ये है, ठीक है। महान कौन है? जॉन किट्स है, ओके। और आपको यह बहुत आश्चर्य होगा जानकर, यह मात्र जो है 26 वर्ष जिए थे। कितने वर्ष जिए थे? 26 वर्ष। और 26 वर्ष में अपना इतना ज़्यादा जो है वर्चस्व हासिल कर लिए थे कविता पे कि इनको ग्रेटेस्ट रोमांटिक कवि का दर्जा प्राप्त है या लोग जानते हैं, ठीक है। 26 वर्ष है तो ये हाल है, कहीं 10-20 वर्ष और जी जाते तो ना जाने क्या कर देते, ठीक है। देखने से ही लग रहे हैं वेरी स्मार्ट, तो रोमांटिक कवि है, ठीक है। एक क्या है? रोमांटिक कवि है जॉन किट्स। क्या है? रोमांटिक कवि है जॉन किट्स है, यही जॉन किट्स है, देख लीजिए, है ना, स्मार्ट लग रहे होंगे आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह जो सेशन आएगा आपका, यह जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है अभी, यह रोज है ना आपका हिंदी और इंग्लिश का 7 बजे शाम को आएगा, ठीक है। टाइमिंग क्या है? 7 बजे आपका आएगा, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं, आपको बहुत बेहतरीन लगेगा, ठीक है, ये पढ़ने में। आज आगे हम इसका डिस्कशन करवाएंगे। चलिए, कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ऑड टू ऑटम इज रिटेन, रिटेन मतलब होता है लिखा गया है, इज रिटेन मतलब लिखा गया है, बाय डैश किसके द्वारा लिखा गया है, तो उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है जिसने ऑड टू ऑटम लिखा है, तो उस राइटर का नाम, उस पोएट का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उस कवि का नाम है आपको वाल्ट व्हिटमैन, नहीं वाल्ट व्हिटमैन नहीं है, जॉन किट्स। आंसर क्या होगा? जॉन किट्स। जॉन डन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखे हैं, कमला दास माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिखे हैं, और वाल्ट व्हिटमैन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं, तो आंसर क्या होगा? जॉन किट्स। क्या होगा? जॉन किट्स। आपका जो इंट्रोडक्शन वाला जो मतलब पेज था उसमें जो है आपको यह दिखा होगा जॉन किट्स। जॉन किट्स है कैसे कवि? तो रोमांटिक कवि है। रोमांटिक कवि पता ही आपको किसको बोलते हैं, है ना, समझ रहे हैं आप लोगों का एज है समझने लायक, ठीक है, आप समझ गए होइएगा, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑट टू ऑटम किसने लिखा है? जॉन किट्स ने लिखा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जॉन किट्स वॉज बोर्न इन द ईयर, जॉन किट्स का जन्म जो है किस वर्ष में हुआ था, तो जॉन किट्स का जन्म जो है वह 1795 में हुआ था। कब हुआ था? 1795, और मात्र यह 26 वर्ष जिए थे, तो 95 में 26 वर्ष जोड़ लीजिए, इनका हो जाएगा यह मरण तिथि, ठीक है, तो जोड़ लीजिए कितना हो गया, 1821, कितना हो गया, 1821 में ये क्या हो गए थे, यह डेथ कर गए थे। क्यों डेथ कर गए थे? तो दिन रात जो है यह सिर्फ लिखना लिखना लिखना, कविता लिखना है ना, राइटिंग करने में लगे रहते थे, और ये खाना पीना जो खाते नहीं था, इनको हो गया क्या, टीबी हो गया। क्या हो गया? टीबी हो गया, टीबी नाम का बीमारी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, और इससे इनकी क्या हो गई, मात्र 26 वर्ष की उम्र में जॉन किट्स का निधन हो गया, जॉन किट्स मर गए, ओके। तो जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था, बॉर्न मतलब जन्म कब हुआ था, 1795 ईस्वी में, ओके, और मृत्यु कब हुई थी, 1821 ईस्वी में, 1821 में। कितने वर्ष जिए? 26 वर्ष। क्यों डेथ हो गया? तो ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो गया, टीबी होता है, टीबी का मतलब होता है क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग मतलब होता है आदमी सुखार जाता है एकदम, पोलियो के परसेंट जैसा हो जाएगा, और अंत में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। टीबी जो होता है फेफड़ा की बीमारी होता है, फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए,
सेकेंड हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन था, और टू ऑटम रिटन बाय, सेकेंड है जन्म, है ना, और तीसरा है आपको देखिए जॉन किट्स डाइड इन द ईयर। तो जॉन किट्स डाइड, जॉन डन जो है मर गए थे, कब मर गए थे 1821 ईस्वी में मरे थे, और जन्म कब लिए थे तो 1795 में, 1795 में जन्म लिए थे, 1821 में मर गए। कुल कितने वर्ष जिए तो 26 वर्ष जिए, ठीक है। क्यों मर गए तो टीबी हो गया था इनको, ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है क्षय रोग, तो क्षय रोग के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये इनका जो है ना डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है 1795, और डेट ऑफ जो डेथ है मतलब मृत्यु तिथि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 26 वर्ष में कोई कवि मर जाए और इतना महान जो है कृति लिखकर, इतना महान कविताएं लिखकर, है ना, इतना महान जो है बन गए 26 वर्ष में, तो उनका जो है जन्म तिथि और मरण तिथि आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है आपके 12th एग्जामिनेशन में। ओके चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है WH Auden। तो WH Auden जो है यह तीसरा चैप्टर का है, ठीक है, यहां पे लिख दीजिए जॉन किट्स, क्या लिख दीजिए, जॉन किट्स। जॉन किट्स वाज अ डैश राइटर बाय बर्थ। जॉन किट्स जो थे वह कहाँ के राइटर थे, जन्म से वह कहाँ के राइटर थे, तो वह कौन से राइटर थे, तो ब्रिटिश राइटर थे। क्या थे, ब्रिटिश राइटर। हालांकि WH Auden भी ब्रिटिश राइटर है, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में, पहले वाला चैप्टर में नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में हम पढ़ा चुके हैं WH Auden के बारे में, अब हम जॉन किट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी के बारे में दोनों आंसर चाहिए। जॉन किट्स जो है ना ब्रिटिश राइटर थे, और WH Auden भी क्या थे, ब्रिटिश राइटर थे, ठीक है। ब्रिटिश राइटर उसको बोलते हैं जिसका जन्म कहाँ हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है। ओके ब्रिटेन देश के जो राइटर होते हैं, जो पोएट होते हैं, जो लेखक होते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्रिटिश राइटर। ओके तो चाहे वो WH Auden रहो या जॉन किट्स रहो, दोनों का आंसर क्या होगा, ब्रिटिश राइटर ही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके और यह ब्रिटिश राइटर के जगह इंग्लिश राइटर भी हो सकता है। ओके क्या हो सकता है, इंग्लिश राइटर भी हम इसको कह सकते हैं, इंग्लैंड में जिसका जन्म होता है उसको बोलते हैं हम इंग्लिश राइटर। ओके चलिए हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके ठीक है, जॉन किट्स इज वेल नोन फॉर डैश पोएट्री। जॉन किट्स को जो है किस प्रकार के कविता लिखने के कारण उनको जाना जाता है, वह किस प्रकार के कविता लिखते थे, तो वह कौन से कविता लिखते थे, रोमांटिक कविता। रोमांटिक पोएट है तो रोमांटिक कविता ही लिखेंगे, तो रोमांटिक पोएट, पोएम लिखने के कारण, पोएट्री लिखने के कारण उनको रोमांटिक पोएट कहा जाता है। और ग्रेटेस्ट है ना रोमांटिक पोएट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब महानों में एक महान है ना जॉन किट्स भी थे। ओके तो जॉन किट्स को किस नाम से जाना जाता है, रोमांटिक कविता लिखने के कारण उनको रोमांटिक पोएट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जॉन किट्स वेल नोन, वेल नोन मतलब होता है विख्यात, विख्यात है, किस कारण विख्यात है, तो रोमांटिक कविता लिखने के कारण वे विख्यात है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6th नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके जॉन किट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन डैश। जॉन किट्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो क्या चीज में इंटरेस्ट था, तो इनको क्रिकेट में इंटरेस्ट था, तो क्रिकेट में इंटरेस्ट था, बॉक्सिंग में इंटरेस्ट था, तो बॉक्सिंग में भी इंटरेस्ट था, पोएट्री में नहीं, पोएट्री में इसको इंटरेस्ट नहीं था, मतलब इस प्रकार, मतलब कौन से खेल में इंटरेस्ट था, तो आप कविता देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है जॉन किट्स जो है क्रिकेट में इंटरेस्टेड थे और बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। तो क्या होगा, बोथ ए एंड बी, आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। उनको क्रिकेट भी पसंद था और बॉक्सिंग भी पसंद था, तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी मतलब ए भी सही और बी भी सही। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जॉन किट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड, डीपली मतलब बहुत ज़्यादा है ना उनको रोचकता था, मतलब रुचि लेते थे, किस खेल में रुचि लेते थे, तो क्रिकेट और बॉक्सिंग दोनों में, तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, बोथ मतलब होता है दोनों। ओके दोनों मतलब क्रिकेट और बॉक्सिंग दोनों में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए।
द फर्स्ट पोएम ऑफ जॉन किट्स वाज, जॉन किट्स के द्वारा लिखा जो पहला कविता है उस कविता का नाम इसमें पूछा जा रहा है। तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया जो पहला कविता है वह है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। आंसर क्या होगा? डी नंबर। यह कविता है, यह क्या है? एक पोयम है। और इस पोयम को लिखा किसने है? तो जॉन किट्स ने लिखा है। और जॉन किट्स जो है यह इनका पहला कविता है। कौन? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ओके, तो यह पहला कविता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और एक बात और है यहाँ पे है कि लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो है यह पहला कविता है, ठीक है, और यह रोमांटिक कविता, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका 7-8 नंबर क्वेश्चन में यह कब लिखा गया था, सो आएगा। ओके, द फर्स्ट पोएम ऑफ जॉन किट्स वॉज पब्लिश्ड इन, पहला कविता कौन है? द लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं। वह कविता कब पब्लिश हुआ था, प्रथम बार कब उसका पब्लिकेशन हुआ था, मतलब पब्लिश्ड हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ओके, तो यह हुआ था 1814 ईस्वी में, फर्स्ट टाइम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर क्या हुआ था? पब्लिश्ड हुआ था। क्या हुआ था? पब्लिश्ड हुआ था। पब्लिश्ड मतलब होता है प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन जो होता है वह जो है उसको लिखवा कर और छपवा कर और बेचवाया गया था उसको, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1814 में लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है वो पहली बार पब्लिश हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री ऑफ जॉन किट्स इंटाइटल पोएम्स, पोएम्स जो है एक समझ जाइए कि एक मोटकिनवा किताब है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कविताएं है ना जो जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है, वह सारा कविता को एक सिंगल किताब में है ना क्या किया गया है, कंपाइल कर दिया गया है, कलेक्शन कर दिया गया है। उस कविता, उस किताब का नाम जो है वह पोएम्स ही रखा गया है, मतलब किताबे के नाम पोएम्स है, ठीक है। तो यह जो पोएम्स है वह पहली बार है ना पब्लिश्ड कब हुआ था, कहने का मतलब यह पब्लिश कब हुआ था, प्रकाशित कब हुआ था, तो यह प्रकाशित हुआ था आपको 1817 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। किस कविता को? तो पोएम्स को। और इसमें खाली कविता है, पोएम्स समझिए कि पोएम्स एक बुक है जिसको प्रकाशित किया गया था कब, 1817 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ओके, और यह लिखा किसने है? तो जॉन किट्स ने लिखा है। कहेगा कि फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री जो पोएम्स है वह कब प्रकाशित हुआ था, तो 1817 में। और कहेगा कि फर्स्ट कविता कब प्रकाशित हुआ था, तो 1814 ईस्वी में, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर देखते हैं। ओके, जॉन किट्स वाज डाइड ऑफ, जॉन किट्स की जो मृत्यु है वह किस कारण हुआ था, उनको कौन सी बीमारी हो गई थी? तो उनकी बीमारी थी ट्यूबरकुलोसिस की। क्या थी, कौन सी बीमारी थी? ट्यूबरकुलोसिस के कारण जॉन किट्स है ना का देहांत हो गया था, जॉन किट्स का स्वर्गवास हो गया था, जॉन किट्स डेथ कर गए थे, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस मतलब होता है, आपको पहले भी बताया थे, क्या होता है? क्षय रोग। क्षय रोग मतलब इसमें आदमी बहुत जो है फेफड़ी की बीमारी होती है, बहुत खांसी होता है इसमें, बहुत जो है सुखड़िया रोग इसको बोलते हैं, बस सूख जाता है आदमी जो है, और अंत में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मतलब खाना पीना नहीं मिलने के कारण ये टीबी की बीमारी अक्सर जो है लोगों को हो जाती है। ओके, चलिए तो हम लोग जो है खूब खाना उना खा के खूब पढ़ेंगे, ठीक है। ये ना कि भर दिन भर रात पढ़ रहे हैं और खाना उना नहीं खा रहे हैं, तो ये बीमारी हो सकता है, इसलिए खूब खाएंगे, खूब पढ़ेंगे और खूब सोएंगे, ठीक है। चलिए ये तीनों काम अगर स्टूडेंट कर लिया तो समझ जाइए कि उसका बल्ले बल्ले है, एकदम सफलता जरूर मिलेगी। बस तीनों को काम ही करना है, खूब सोना है, खूब सोना है। आदमी कितने सोएगा? 10 घंटा सोएगा, 8-10 घंटा सोएगा, ठीक है। खूब खाना है, 2-3 घंटा खाते रहिए जो है, ठीक है। ये सब ले दे के फिर भी आपके पास जो है 10 से 12 घंटा बचता है, तो 10-12 घंटा क्या करेंगे? पढ़ेंगे, बहुत हो गया 10-12 घंटा टॉप करने के लिए, ठीक है। तो खूब खाइए, खूब सोइए और खूब पढ़िए, ठीक है। तो ये मृत्यु किस कारण हो गया था? तो ट्यूबरकुलोसिस के कारण हो गया था, क्षय रोग के कारण हो गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन।
जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ, जॉन किट्स का जो देहांत है वह कितनी वर्ष, मतलब कितने वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया था, तो मात्र 26 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1795 में जन्म लिए थे और 1821 में क्या हुए थे, मर गए थे। ठीक है, इसका अंतर आएगा कितना, 26 वर्ष की उम्र में जो है जॉन किट्स मर गए थे। किस कारण मरे थे, तो ट्यूबरक्लोसिस उनको हो गया था। किस कारण मरे थे, ट्यूबरक्लोसिस के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जॉन किट्स डैड एट द एज ऑफ, कितने आयु में, कितनी आयु उनकी थी तब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 26 वर्ष। ओके, कितने वर्ष थे, 26 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। फॉर जॉन किट्स, जॉन किट्स के लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज, मतलब जो सुंदरता होता है वह क्या होता है, ए जॉय फॉर एवर। सुंदरता जो होता है वो हमेशा इंजॉय करने का, हमेशा खुशी मनाने का चीज़ होता है। कोई भी चीज़ सुंदर देखे और हम खुश हो जाए, है ना, उसको इंजॉय करे, इसलिए सुंदरता होती है। ठीक है, इन्हें कि सुंदरता के पीछे पगलाइए गए, तो ये नहीं हुआ। जॉन किट्स के लिए क्या था, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, किसके लिए, जॉन किट्स के लिए। ओके, तो आंसर क्या होगा, ए जॉय फॉर एवर। सुंदरता जो है जॉय, हमेशा के लिए इंजॉय, आनंद लेने की चीज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये पोएम का लाइन है, ये पोएम जब पढ़ाएंगे तो आपको यह टोटल चीज पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए अभी टाइम कम है इसलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम करवा देते हैं, है ना, और जितना भी हो सके इसका एक्सप्लेनेशन भी यहीं करवा देते हैं, मतलब समझ जाए कि कविता भी हम यहीं पढ़ा दे रहे हैं। ओके, अलग से नहीं है, बस इसी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मैरो फ्रूटफुलनेस, कौन सा सीजन जो होता है वह मिस्ट, मिस्ट मतलब होता है धुंध, धुंध समझते हैं, धुंध है ना, कुहासा, जो जाड़े के समय में खूब धुंध नहीं रहता है, कुहासा रहता है, उस है ना, उस धुंध को मिस्ट कहते हैं। मेलो फ्रूटफुलनेस मतलब होता है फल पकने का मौसम होता है। ठीक है, तो फल पकने का मौसम और धुंध का मौसम कौन होता है, तो यह ऑटम सीजन जो होता है वह धुंध का मौसम होता है। ऑटम मतलब शरद ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु, ऑटम मतलब क्या होता है, शरद ऋतु। तो शरद ऋतु जो होता है ना, ठंडा का मौसम, वह फल पकने का मौसम होता है, और वह क्या चीज़ होता है, वह धुंध का मौसम होता है। अपने यहाँ नहीं, यह इंग्लैंड की बात बोल रहा है। ठीक है, इंग्लैंड में फल कब पकता है, तो ऑटम सीजन में पकता है। ओके, अपने यहाँ तो गर्मी में पकता है। ठीक है, आम उम जो हो गया ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, डैश सीट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर, ग्रेनरी फ्लोर जो होता है वह, जैसे मान के चलिए खेत खलियान है, अन्न का भंडार है, दाना है, उसको ग्रेनरी फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेनरी फ्लोर पर कौन बैठा हुआ है, तो ऑटम सीजन बैठा हुआ है। और आपको पता है कि जॉन किट्स जो है वह ऑटम सीजन को किससे तुलना किया है, तो एक ब्यूटीफुल लेडी से किया है, एक ब्यूटीफुल लेडी से, जो है लेडी कहिए या वीमेन कहिए, ठीक है, तो एक सुंदर स्त्री से जो है ऑटम सीजन की तुलना किया है। कौन किया है, जॉन किट्स ने किया है। आगे क्वेश्चन आएगा भी, उसमें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे ऑटम कहिए या एक सुंदर महिला कहिए, महिला कहिए, दोनों सीम, तो हूँ सीट्स कौन बैठी हुई है, तो एक सुंदर औरत बैठी हुई है। एग्जाम में पूछा गया है सवाल, एक सुंदर औरत, लेकिन एक सुंदर औरत कहा किसको है जॉन किट्स ने, तो कहा किसको है, तो कहा है एक औरत को, कहा है ऑटम सीजन को, कहा है कि आप क्या है, एक सुंदर औरत की तरह है। ठीक है, सुंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ रिपनेस टू द डैश, ठीक है, तो रिपनेस टू द कोर होगा, कोर मतलब होता है जैसे यह फल है, यह फल है, तो इसका जो ई वाला पार्ट है अंदर वाला, ये जो होता है यह, इसी को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, फल के अंदर वाला पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोर। तो कह रहा है एंड फिल ऑल फ्रूट, सारे फलों को भर दीजिए, क्या चीज़ से भर दिए,
भी विथ रिपनेस टू द कोर, अंदर तक एकदम पका दीजिए फल को। अंदर तक फल पकाने का मतलब है कि अंदर अंत अंदर अंदर तक उसको जो है कच्चा नहीं रखना है, उसको पका देना है, मतलब मीठा से भर देना है। ओके, तो आंसर क्या होगा? कोर। कोर मतलब क्या होता है? एकदम अंदर वाला, किसी भी फल का जो अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं कोर। ठीक है, समझ में आया? ये डायरेक्ट लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? आपके चैप्टर से लिया गया है, वही लाइन यहाँ उठा कर दिया गया है। इसको ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। ओके, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बताइएगा ही। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। द विनोइंग विंड सॉफ्टली लिफ्ट्स द हेयर अप, जो बहता हुआ जो हल्का हल्का मध्यम मध्यम जो हवा चल रहा है वह किसकी जुल्फों को ऐसे ऐसे हिला रहा है? ठीक है, तो किसके जुल्फों को हिला रहा है? तो ऑटम के जुल्फों को क्या कर रहा है? वह हिला रहा है। ऑटम, और ऑटम की तुलना किससे किया गया है? एक वीमेन से किया गया है। ठीक है, एक औरत से किया गया है, एक लेडी से किया गया है। तो इसी के है ना जुल्फों को विनोइंग विंड क्या कर रहा है? हल्का झोंके से एकदम हिला रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से देखते होइएगा लड़की सबका जो बाल जो है ना खुला रहता है तो एकदम लहराते रहता है, हल्के हल्के हवा से एकदम ऐसे ऐसे होते रहता है, उसी प्रकार से ऑटम सीजन का जो फसल है, पेड़ है, वो क्या रहता है? हल्का हल्का झूलते रहता है। ठीक है, तो वही कहा है कि सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब धीरे धीरे, लिफ्ट लिफ्ट मतलब ऊपर नीचे होना, हेयर हेयर मतलब बाल। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑटम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, डैश ट्विटर इन द स्काई, कौन जो है आकाश में ट्विटर कर रहा है? ट्विटर मतलब होता है चिड़िया की आवाज, ट्विटर मतलब क्या होता है? आवाज। ट्विटर मतलब होता है चहचहाना, तो चिड़िया क्या होती है? चहचहाती है। तो कौन आकाश में ट्विटरिंग कर रहा है, मतलब चहचहा रहा है? तो स्वेलो जो है वह आकाश में क्या कर रहा है? वह ट्विटर कर रहा है, ट्विटर मतलब चहचहा रहा है। स्वेलो क्या होता है? एक चिड़िया होती है। क्या होता है? एक चिड़िया होती है। यह क्या है? चिड़िया, एक प्रकार का छोटा सा चिड़िया होती है, उसको बोलते क्या है? स्वेलोस। तो स्वेलो आकाश में क्या कर रही है ना? ट्विटर कर रही है, चहचहा रही है। ओके, किस मौसम में? तो ऑटम वाले सीजन में। ठीक है, चलिए 17 हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, जॉन किट्स बिलोंग्स टू, जॉन किट्स कहाँ से संबंधित थे, मतलब किस देश में उनकी क्या हुई थी, उनका है ना जन्म हुआ था, किस देश में उनका जन्म हुआ था, किस देश में वह जन्मे थे? तो किस देश में जन्मे थे? तो इंग्लैंड देश में उनका जन्म हुआ था। तो जॉन किट्स बिलोंग टू, जॉन किट्स कहाँ से संबंध रखते हैं? तो इंग्लैंड से संबंध रखते हैं। जिस प्रकार से हम लोग कहाँ से संबंध रखते हैं? इंडिया, अपने प्यारा भारत से संबंध रखते हैं कि नहीं? मतलब संबंध रखना मतलब इसी देश में हम लोग जन्म लिए हैं, इसी देश के हैं। ठीक है, तो जन्म कहाँ लिए हैं? भारत में, तो भारत से बिलोंग्स करते हैं। जॉन किट्स कहाँ जन्म लिए थे? इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड से बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु मतलब कौन इज कॉल्ड ए रोमांटिक पोएट, किसको जो है इन चारों में से किसको रोमांटिक पोएट कहा जाता है? तो वाल्ट व्हिटमैन को नहीं कहा जाता है, जॉन किट्स, हाँ जॉन किट्स को जो है ना, कमला दास नहीं है, केके दारूवाला नहीं है। ठीक है, जॉन किट्स को जो है हम लोग क्या कहते हैं? रोमांटिक पोएट कहते हैं। रोमांटिक पोएट मतलब होता है प्रेम प्रसंग वाला कविता, जो प्रेम के बारे में जो है कविता लिखते हैं। ठीक है, रोमांटिक कवि। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर। लैमिया एंड हाइपेरियन वर रिटेन बाय, लैमिया और हाइपेरियन जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? लैमिया जो है और हाइपेरियन एक कविता है, यह कविता दोनों जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपको जॉन किट्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स के द्वारा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लैमिया एंड हाइपेरियन रिटेन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है आपको जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। समझ में आया इतना? ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच वर्क ऑफ स्पेंसर फायर्ड जॉन किट्स एम्बिशन टू बिकम ए पोएट, कौन सा जो कृति है वह
मतलब ये इसको जो है जॉन किट्स को बहुत ज़्यादा शौक था कवि बनने का, तो इसको है ना पूरा एकदम जोश खरोश से भर दिया गया था। वह कौन सी कृति है जिसको पढ़कर यह कहा कि नहीं अब तो हम कवि बनिए के छोड़ेंगे, अब हमारा कोई नहीं रोक सकता है। कौन इसके एम्बिशन को, इसके जो इसका जो लक्ष्य है जॉन किट्स का, उसको जो है वो मतलब एकदम फायर कर दिया था, कहने का मतलब एकदम चढ़ा दिया था ऊपर। तो वह है वार्क कौन, द फेरी क्वीन। यह रचना जब पढ़ा था कौन कौन जॉन किट्स, तो क्या हुआ था उनका जो है कवि बनने का सपना और परवान चढ़ गया। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा, द फेरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिए। ठीक है, जॉन किट्स पोयम, जॉन किट्स की जो कविता है डैश वॉज वेल अप्रिसिएटेड बाई वॉट्स वॉट। ठीक है, वॉट्स वॉट कहने का मतलब है विलियम वॉट्स वॉट, इसका पूरा नाम क्या है विलियम वॉट्स वॉट। तो इसमें से कौन से कविता को है ना विलियम वॉट्स वॉट ने खूब प्रशंसा किया था, और यह कविता लिखा गया है किसके द्वारा, तो लिखा गया है आपको जॉन किट्स के द्वारा। तो जॉन किट्स जब कविता लिखे थे, पोयम जब लिखे थे, तो कौन सी कविता लिखे थे, तो डब्ल्यू है ना जो विलियम वॉर्ड्सवर्थ था इसकी खूब तारीफ किए थे, तो वो है आपको इंडिमियन। आंसर क्या होगा, ए नंबर, इंडिमियन नामक कविता लिखने के कारण जॉन किट्स की खूब तारीफ किए थे कौन, डब्ल्यू है ना वॉर्ड्सवर्थ, मतलब विलियम वॉर्ड्सवर्थ। और विलियम वॉर्ड्सवर्थ भी क्या है एक रोमांटिक कवि है, क्या है एक रोमांटिक कवि है ना, रोमांटिसिज्म इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ किससे, विलियम वॉर्ड्सवर्थ, मतलब रोमांटिसिज्म की जो शुरुआत करने वाले कवि है वो कौन है, विलियम वॉर्ड्सवर्थ है। तो नहीं कहते हैं बानर जाने आदि के स्वाद। अब यह जॉन किट्स जो है रोमांटिक कविता लिखते थे, तो उनकी तारीफ कौन करेगा, एक दूसरा रोमांटिक कवि करेगा, और मान के चलो अब मेटाफिजिकल कवि है तो वो रोमांटिक के बारे में क्या जाने गया, तो उसकी तारीफ करेगा कि बुराई करेगा उसको पता नहीं चलेगा। तो नहीं कहते हैं कि हीरे की पहचान है ना कौन करता है, ज्वेलरी क्या करता है। ठीक है, तो वही वाला बात है इसका, जो है हीरे की पहचान जो है जौहरी ही करता है। ठीक है, तो ये जॉन किट्स की जो है तारीफ कौन किया था, विलियम वॉर्ड्सवर्थ, क्यों, क्योंकि ये भी क्या थे, रोमांटिक कवि थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टू ऑटम इज रिटेन इज एंड डैश, टू ऑटम जो है यह जो कविता है टू ऑटम या ऑड टू ऑटम, यह क्या है, तो ओड है। ओड मतलब क्या होता है, ओड मतलब होता है गीत, ओड मतलब क्या होता है गीत। ठीक है, ऑटम जो टू ऑटम कविता है यह क्या है, तो ओड है, ओड मतलब होता है गीत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रीनरी फ्लोर इन ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम में जो है वह ग्रीनरी फ्लोर पर कौन केयरलेसली जो है बैठा हुआ है, तो कौन बैठा हुआ है, तो वीमेन एक बैठी हुई है, कौन बैठी हुई है, वीमेन। वीमेन कहने का मतलब है कौन, तो ऑटम बैठा हुआ है, ऑटम सीजन बैठा हुआ है। ठीक है, तो ग्रीनरी फ्लोर पर कौन बैठा हुआ है, ऑटम बैठा हुआ है। ऑटम की तुलना, ऑटम का जो है कंपेरिजन किससे किया है जॉन किट्स ने, तो वीमेन से किया है। ओके, तो हूँ सीट्स कौन बैठा है, तो वीमेन बैठी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन। द रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक रोमांटिसिज्म की शुरुआत किसने किया था, इज ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, एसोसिएटेड विथ, वह संबंध रखता है किससे संबंध रखता है, तो विलियम वॉर्ड्सवर्थ से संबंध रखता है, मतलब रोमांटिक कविता लिखने का जो पहला शुरुआत किया था किसने किया था, विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने किया था। ठीक है, और उसके बाद कौन किया, तो जॉन किट्स ने किया था। ठीक है, तो विलियम वॉर्ड्स जो है वह रोमांटिक रिवाइवल लेकर आए थे, मतलब रोमांटिक कविता लिखने की शुरुआत किसने की थी, तो विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने की थी। ठीक है, आंसर क्या होगा, विलियम वॉर्ड्सवर्थ। और इनके बाद जो है सबसे महान कवि कौन हुए, तो जॉन किट्स हुए थे। ठीक है, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया जो कविता एंडिमियन उसकी तारीफ भी किए थे कि नहीं आप बहुत अच्छा कविता लिखते हैं। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। लैमिया एंड हाइपेरियन आर रिटेन बाय, ठीक है, लैमिया और हाइपेरियन जो है यह किस
कवि के द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। लैमिया एक है ना, और हाइपेरियन, यह दोनों जो है यह क्या है, कविता है, ठीक है, बुक है, रचना है, कृति है, जिसको लिखा किसने है, जॉन किट्स ने लिखा है, ठीक है। चलिए, यह बहुत बार पूछा गया है लैमिया एंड हाइपेरियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। एंड द गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम, यह जो लाइन है, ठीक है, यह जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये जो लाइन है ना, यह किस कविता से लिया गया है, तो यह ओड टू ऑटम नामक कविता से लिया गया है। ओके, किस कविता से लिया गया है, ओड टू ऑटम नामक कविता से लिया गया है। एंड द गैदरिंग स्वेलो, जो गैदर है स्वेलोज, जो पक्षी जो गैदर है, इकट्ठा है ना, ट्विटर इन द स्काई, वह आकाश में क्या करता है, वह बोलता है ना, बोल रहा है, बोल रही है, ठीक है। तो यह किस कविता से संबंधित है, तो ओड टू ऑटम नामक कविता से संबंधित है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ईच स्टेंजा, जो यह कविता है कौन, ओड टू ऑटम जो कविता है, एक मिनट, ओड टू ऑटम, ठीक है, ओड टू ऑटम जो कविता है, इसमें कितने स्टेंजा है टोटल, तो 3 स्टेंजा है। कितने स्टेंजा है तो 3 स्टेंजाज है, ठीक है। और यह तीनों स्टेंजा जो है, 1, 2, 3, ठीक है, यह कै कै लाइन का बना हुआ है, सो पूछ रहा है, ठीक है। तो यह बना हुआ है आपको 11 लाइन का, यह जो स्टेंजा बना हुआ है, तो आंसर क्या होगा, 11। एक स्टेंजा जो है वह कितने लाइन का है, तो 11 लाइन का दिया गया है, लिखा गया है, ठीक है। तो इस कविता में कुल कितने लाइन्स हो गए, 11 × 3 33 लाइन्स की कविता है। कोई पूछेगा कि ऑड टू ऑटम कितने लाइन की कविता है, तो 33 लाइन की, और स्टेंजा पूछेगा तो कितना स्टेंजा, 3 स्टेंजा, ठीक है। अब प्रत्येक स्टेंजा में कितने लाइन तो 11 लाइन है, ठीक है, प्रत्येक कितने लाइन, 11 लाइन है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 28 हो गया, 29 नंबर देखिए, ठीक है। इन पोयम ऑटम इज कंपेयर टू ए डैश, इस कविता में, ऑटम नामक कविता में है ना, यह कविता में ऑटम जो है वह किससे तुलना किया गया है, ऑटम का, तो ऑटम का तुलना किया गया है एक वीमेन से किया गया है, एक औरत से किया गया है, ओके। और किया किसने है, तो जॉन किट्स ने किया है, जो कविता लिखेगा वही तो करेगा, तो जॉन किट्स ने जो है इस ऑटम की जो तुलना है वो किससे किया गया है, वीमेन से किया है, ओके। आंसर क्या होगा, वीमेन, ओके। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। हु थिंक्स, कौन सोचता है, डेट वार्म डेज विल नेवर सीज, जो गर्मी का दिन है वह कभी खत्म नहीं होगा, इस कविता में कौन सोच रहा है, तो मधुमक्खी सब सोच रहा है। बीज मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, क्या होता है, मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ सब जो है वह सोच रही है कि वार्म डेज विल नेवर सीज, मतलब गर्मी का दिन कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा होता है कि गर्मी का दिन कभी खत्म नहीं हुआ है, वो हो भी करेगा, ठीक है, तो मधुमक्खी सब सोच रहा है, ओके। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, जो मैच्योरिंग सन है, मैच्योरिंग सन मतलब कहते हैं जो धूप वाला जो सूरज निकलता है, ठीक है, तो धूप जो लिए हुआ सूरज है उसको मैच्योरिंग सन कहते हैं, धूप वाला सूरज, ठीक है, जिसमें ना गर्मी हो, जिस है कहने का मतलब है जिस धूप में गर्मी हो उसको मैच्योरिंग सन बोलते हैं, ठीक है। तो हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, मैच्योरिंग सन का जो धूप का जो क्लोज फ्रेंड है, अंतरंग मित्र है ना, एकदम जिगरी जो यार है वह कौन है, तो ऑटम है। क्यों, क्योंकि ऑटम और यह जो सन है, सूरज कहिए या धूप कहिए, यह दोनों मिलकर जो है वह कंस्पायरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, कंस्पायरिंग कर रहा है, कंस्पायरिंग मतलब होता है साजिश रच रहा है, क्या चीज़ का साजिश रच रहा है, कि फल को, फ्रूट्स को क्या करे, यह पूरी तरह कोर तक पका दे, उसको कोर तक मिठास से भर दे, यह साजिश रच रहा है, कौन रच रहा है, ऑटम
और सन दोनों एक दूसरे से मिलकर साइज रच रहा है, ठीक है। ऑटम सीजन में फल पकता है और सूरज की गर्मी के कारण ही क्या करता है, वो पकता है, इसलिए दोनों मिलकर फल पकाने की साजिश रच रहा है। ओके, तो आंसर क्या होगा, ऑटम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। विच सीजन, कौन सा जो सीजन है इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, कौन सा सीजन फल पकने का सीजन होता है, तो ऑटम सीजन जो होता है वो फल पकने का मौसम होता है। ओके, तो आंसर क्या होगा, ऑटम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन, हु हैथ, हैथ मतलब होता है, ये ओल्ड इंग्लिश है, हैज है, ठीक है, नॉट सीन एमिड डाई स्टोर, डाई मतलब होता है यू, कौन जो है तुम्हें स्टोर है ना, इज प्रॉब ई कर रहा है, हु हैथ नॉट सीन एमिड दाई स्टोर, तुम्हें कौन जो है स्टोर में खेलो मतलब क्या खेत खलियान में नहीं देखा है। ओके, तो यह लाइन जो है यह किसने लिखा है, उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, यह कहाँ से लाइन है लिया गया, किस कविता से, किस कवि से यह लाइन लिखा गया है, किस कवि के द्वारा यह लाइन लिखा गया है, तो यह लाइन लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा। आंसर क्या होगा, ए नंबर, किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन किट्स के द्वारा। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, इसका पीडीएफ फ्री है, आपको जल्द ही पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। ओके, ना कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे या नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ओके, चलिए आंसर क्या होगा, जॉन किट्स, ठीक है। क्वेश्चन अब खत्म ही है, ठीक है, क्वेश्चन है लास्ट। ओके, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।